And now we are on the question number 6 of this exercise 2.6, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? Without wasting your time, the ages of Hari and Harry are in the ratio of 5:7. 4 years from now, mean after 4 years, the ratio of their ages will be 3:4. Mean present age का जो उनका ratio है, that is 5:7. तो आपको age consider करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. Let solution part में शुरू करता हूँ बच्चों यहाँ से. Let present age of Hari is equal to 5x, because present ratio is given 5:7, so 5x or 7x consider कर लीजिए. Present age of Hari is equal to 7x, right? तो अब आप ये देखिए बच्चों कि after 5 years उनकी age क्या होगी. जितनी एज आपकी, अगर आपकी एज आज 12 इयर्स है, तो आफ्टर 4 इयर्स आपकी एज 16 इयर्स हो जाएगी. अब आप प्रेजेंट एज में 4 प्लस कर देंगे, राइट और नॉट? तो उसी तरीके से यहां भी आप इन दोनों में 4 प्लस कर दीजिए. सो यू विल राइट एज ऑफ हरी आफ्टर 4 इयर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, राइट? 5x प्लस 4. और एज ऑफ हैरी आफ्टर 4 इयर्स, यहां पे आप लिखेंगे हैरी, दैट इज आपका हो जाएगा 7x plus 4, बिकॉज हैरी की प्रेजेंट एज 7x है, तो आप 7x में 4 प्लस करेंगे, और हरी की 5x है, तो 5x में 4 प्लस करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये क्या कह रहा है कि उनका रेशियो जो है 4 इयर्स के बाद 3:4 हो जाता है. तो हम इनका रेशियो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 5x plus 4 डिवाइडेड बाय 7x plus 4 is equal to 3/4. तो अब देखिए आपका ये वही क्वेश्चन बन गया जैसा कि क्वेश्चंस आपको 1 to 5 नंबर क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन में गिवन है, इक्वेशंस में गिवन है. वहां डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है, यहां पे आपने इक्वेशन को सेट किया है. तो इसके बाद हम बच्चों क्या करते हैं, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में स्टेप को यहां कर लेता हूं, इसके बाद क्या स्टेप बन जाएगा. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा 5x plus 4 के साथ. 4 मल्टीप्लाई हुआ आपका 5x plus 4 के साथ is equal to 3 मल्टीप्लाई हो गया 7x plus 4 के साथ. 3 मल्टीप्लाई हुआ 7x plus 4 के साथ. ओके, अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए वेरिएबल से एक साइड में करिए और सिंपलीफाई कर दीजिए. 5 4 जा 20x plus 16 is equal to 21x plus 12. मैंने 4 को यहां मल्टीप्लाई किया इनसाइड द ब्रैकेट, 5 5 4 5 20x, और 4 को जब 4 से किया तो 4 4 16. ऐसे ही राइट साइड में आपने मल्टीप्लाई कर दिया. अब वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड रखिए, वेरिएबल यहां पे 20x है और राइट साइड से वेरिएबल 20 बनाया तो नेगेटिव हो गया, और राइट साइड में 12 पहले बैठा हुआ है, 12 को पहले लिखिए. ओके, और उसके बाद 16 राइट में जा रहा है तो वो माइनस हो रहा है. 20x माइनस x आपके बचेगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, राइट? तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं. ओके, आपके पास x का वैल्यू आया बच्चों 4. ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, यहां तक आंसर को नहीं छोड़ेंगे. ओके, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, राइट? बिकॉज x एग्जामिनर ने नहीं पूछा है, x तो हम कंसीडर कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए. तो अब देखिए आपको निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ हरी. तो यू विल राइट हियर प्रेजेंट एज ऑफ हरी, बिकॉज आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो आपको प्रेजेंट एज निकालना है उनका. तो कितना हो जाएगा, 5 into x mean 5 into 4, that is 20, and present age of Harry, second one boy is Harry, that is 7 into 4 is equal to 28. ये बच्चों आपके years लगा दीजिए साथ में, unit का होना बहुत जरूरी है. ओके, ये आपके फाइनल आंसर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. थैंक यू.